नीलम वात्सल गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जैसे देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ जो प्लांट मेरा है वो तो आप फूल से जान ही गए होंगे। और दोस्तों ये जो है से ग्राफ्टेड प्लांट है और इसमें देखिए कि दो कलर खिला हुआ है और इसकी हाइट देखिए कि पहले कितना है। तो एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा है दोस्तों, उसमें मैं लगाई हूँ और इसमें मैं ग्राफ्टेड की थी। जैसे यहाँ से मैं कलम से लगाई थी ये पौधा, कलम से इसको मैं तैयार की थी। तो कलम से तैयार करने से क्या होता है दोस्तों कि आपका आपका हाइट जितना भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे बहुत सा लोगों को सवाल रहता है कि हाइट हम कलम को कितना लें, तो मैं उतना नहीं इसका मायने देती हूँ, क्योंकि मैं जो भी प्लांट लगाती हूँ लंबा ही लगाती हूँ। तो देखिए कि मैं इतना बड़ा पहले कलम लगाई, उसके बाद देखिए कि ब्रांच कहाँ से कहाँ गया और इसको ग्रोथ देखिए कि कितना बड़ा है। ये 3.5 फीट 4 फीट अंदाज होगा दोस्तों, जैसे देखिए कितना लंबाई चल गया है। तो दोस्तों इसको मैं ग्राफ्टेड की थी तो बहुत छोटा था, जैसे छोटा था पौधा। तो देखिए कि मैं यहाँ से इसमें ग्राफ्टेड की हूँ, देखिए यहाँ से मैं इसको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ से ग्राफ्टेड ही रेड कलर भेजती हूँ। वहाँ रेड कलर करने के बाद यहाँ देखिए पूरा प्लांट है से पीला है। और उसके बाद फिर एक और की हूँ, जैसे देखिए कि यहाँ पर है, यहाँ है जो एक गुलाबी कलर का है जो अभी नहीं आया हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा मैं प्रूनिंग कर दी थी तो इसमें अभी फूल नहीं आया है दोस्तों। तो ये ग्राफ्टेड प्लांट है जो एक ही ग्राफ्टेड कब करें इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको ग्राफ्टेड करना है, ग्राफ्टिंग करना है आपको, तो आपको कब करना है। तो जैसे आप देखिए कि ठंड का मौसम में भी अच्छी तरह से ग्रोथ ले लेती है और ये रेनी सीजन में ज़्यादा ग्रोथ लेती है। तो रेनी सीजन में ही आप इसको बहुत अच्छा तरह से ग्रोथ पा सकते हैं, ना ज़्यादा धूप रहता है ना ज़्यादा ठंड रहता है। ऐसे तो विंटर में इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप उस समय कर सकते हैं। मैं ग्राफ्टिंग के भी वीडियो डाली हूँ कि कैसे करती हूँ, इसके बारे में भी मैं इसके वीडियो बना चुकी हूँ। तो ऐसे करना है दोस्तों, तो आप उस समय ग्राफ्टिंग अच्छा से कर सकते हैं, कहे कि उस समय आपको ज़्यादा जल्दी ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग करना है। उसके बाद आप इसमें जैसे देख रहे हैं कि यहाँ लेयर कितना ज़्यादा इसमें घनत्व है, जैसे देखिए कितना ज़्यादा है। तो इसमें इतना घनत्व बनाने के लिए इसको हमेशा प्रूनिंग कीजिए। जैसे ही आपका फूल खिल जाता है तो आप इसको प्रूनिंग करना ज़रूरी रहता है। यहाँ फूल खिला तो यहाँ से ब्रांच काटिए एकदम सटा के, तो यहाँ आपका ब्रांच आएगा। तो मैं तो ऐसे ही इसको बढ़ाते रहती हूँ, जैसे देखिए कितना ज़्यादा इसमें घनत्व है और बहुत ज़्यादा इसमें फूल भी आती है, उतना ही और उतना ही आपको इसमें ब्रांच आती है। तो जैसे ये सॉइल है तो इसको सॉइल आप एसिडिक बनाइए, तो इस तरह से जैसे कि हाथ से भी आप हटाएं तो इसको इतना भुरभुरी रहनी चाहिए कि हाथ से भी हटाने पर इस तरह से आपको आ जाए और हाथ से ही इसको गुड़ाई हो जाए। तो इसको सॉइल भुरभुरी बनानी है, एसिडिक बनानी है और इसको जैसे ऐसे देखिए हाथ से ही मैं कर रही हूँ कि इसको पूरा अच्छा तरह से इसको गुड़ाई हो गई। तो देखिए कि एक्स्ट्रा जड़ है जो हाथ से ही कट जाती है, देखिए एक्स्ट्रा जड़ कट गया। तो इस समय इस तरह से बराबर करते ही रहना है और उसके बाद इसको गुड़ाई करने के बाद इसमें मिट्टी को ज़्यादा धूप लगे इस तरह से। अभी ठंड का मौसम है तो मिट्टी आपको सूखनी भी ज़रूरी रहती है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। और उसके बाद जैसे आप कोई खाद डालिएगा तो ऐसे देखिए इस तरह से ऐसे इसको तरफ इस तरह से कर दें और करने के बाद आप रिंग नुमा ऐसे बनाकर ये गोलाई में पूरा खाद जो भी न्यूट्रिशन देंगे ऐसे करके इसको देकर और फिर इस मिट्टी को इस तरह से ऐसे ऐसे ढाक दें। इसमें मैं खाद अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैं परसों ही खाद डाली हूँ इसमें, इसलिए मैं नहीं अभी डाल रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से करना है। और जैसे देखिए आपको गुलाई में ब्रांच बढ़ानी है तो गुलाई में कैसे ब्रांच बढ़ती है
उसके बारे में भी आप जान लीजिए कि यहाँ से देखिए गोलाई अगर आपको करना है ज़्यादा हाइट ऐसे नहीं करनी है, इधर नहीं बेकनी है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ब्रांच काटिए, यहाँ से यहाँ ब्रांच इसको काट दीजिएगा तो इसका इधर 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 भागेगा, इसको फिर इधर काट दीजिएगा थोड़ा सा इधर, तो ये बोन साइज का जैसे बनता है वैसे बन जाएगा। तो इस तरह से बनानी है दोस्तों। और फिर क्या करनी है कि इसको ग्रोथ के लिए क्या डालिएगा खाद, और इसमें ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि समर का प्लांट है, तो थोड़ा सा सूखी हुई मिट्टी इसको पसंद है, ज़्यादा नमी नहीं, गीली नहीं, लेकिन सूखी हुई इसको अच्छा रहता है। तो मेरा जैसे प्लांट देखिए कितना सब प्लांट में मेरा ग्रोथ उतना ही रहता है, उतना हाइट भी उतना ही लंबा लंबा रहता है। तो दोस्तों इसको क्या करना है कि खाद क्या डालना है, पानी हो गई इसको तो भोजन भी देना ज़रूरी है, तो भोजन क्या देनी है इसको, तो जैसे देखिए तो इसको भोजन क्या देनी है, तो दोस्तों देखिए कि इसमें भोजन क्या देनी है, जैसे यहाँ गुड़ाई कर लिए आप, गुड़ाई के बाद आप कोई इसमें जो सरसों खली होता है थोड़ा सा आप सरसों खली लीजिए, थोड़ा सा सरसों खली लीजिए और उसमें आप DAP डालिए। DAP डालने के बाद आप थोड़ा सा इसको 1 लीटर पानी में 1 टुकड़ा सरसों खली और 10 दाना इसमें DAP डालिए और उसको 24 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। तो आपको फिर देखिएगा कि कितना ज़्यादा इसमें घनत्व फूल सभी कुछ आ जाता है। जैसे सरसों खली गर्म होता है तो अभी ठंडा के दिन में इसको सरसों खली देना बहुत ज़रूरी है। आप तना से ही जान गए होंगे कि कितना दिन का पौधा है। तो दोस्तों जैसे देखिए कि यहाँ कितना तना मोटा हो गया है, तो मैं कलम भी लगाई थी अच्छी तरह से, 1.5 साल का पौधा है, 1.5 साल में ही ये इतना बड़ा अच्छा ग्रोथ ले लिया है। तो इस तरह से करनी है दोस्तों, आपका भी कली फूल दोनों से भर जाएगा, जैसे आगे की ओर आपका भी बहुत ज़्यादा प्लांट में ग्रोथ फूल दोनों आ जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ग्राफ्टर तो मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा है, मैं तो सभी प्लांट को धीरे धीरे शेयर करती ही रहती हूँ। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ नीलम अस्पताल को हेल्प कीजिए दोस्तों।